Hi dear students, welcome to my YouTube channel, International Relations, Political Science, General Knowledge, RCSS, UPSC. आज मैं आपको तकरीबन दुनिया के सारे मुल्कों का पार्ट्स वाइज, रीजन वाइज आपको मालूम दूंगा जो जॉब्स एग्जाम में आती है और जिसका जानना CSS और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमारा पहला लेक्चर जो है वो है साउथ एशिया का। ये सारा साउथ एशिया, ये अफगानिस्तान इसमें नहीं है, मगर ये इस मैप में मैंने डाला है कि आपको थोड़ा समझ में आए। अब साउथ एशिया में अगर हम शुरू करें पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये सारा बॉर्डर है। हाँ, इसके देखो ये एक अफगानिस्तान से मिलता है, ये ईरान से मिलता है, ये इंडिया से मिलता है, और इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान इंडिया का नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है, बांग्लादेश से मिलता है, और श्रीलंका और मालदीव ये आइसलैंड से। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, आपको मतलब सिंपल में बताता जाऊंगा कि ये पाकिस्तान है, इसका कैपिटल इस्लामाबाद है, इसकी करेंसी रुपी है। अब मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि ये मतलब बाउंड्री लाइन सवाल आते हैं कि ये बाउंड्री लाइन कौन किसके बीच में है। अब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है ये सारी, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन जो है सर रेडक्लिफ ने डिमार्केशन की थी 1947 में, जब ये इंडिया टुकड़ों में बटा था, जहां उन्होंने बरताने वालों ने तोड़ा था ये, मतलब इसको हम रेड क्लिफ लाइन के यहां से चल के यहां तक, और ये फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इंडिया, ये देखें ये इंडिया है, यहां से चला ऐसे चला ऐसे चला ये ऐसे, फिर ये आया, फिर यहाँ ये सारा चला गया, ये सारा नीचे तक आ गया, बिल्कुल यहाँ तक सारा इंडिया है। इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो यहाँ पे है, और इसकी करेंसी है रुपये, ठीक है। और इसके देखें इसके ऊपर जो है अफगान, यहाँ पे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर, और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और इंडिया के ऊपर ये जो मुल्क है वो चाइना है। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन मीन्स मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। एक और लाइन है यहाँ 24th पैरेलल लाइन, वो रन ऑफ कच्छ में, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 24th पैरेलल लाइन। दुनिया में और भी पैरेलल लाइन्स हैं, मगर यहाँ पाकिस्तान में इसमें 24th पैरेलल लाइन है, ठीक है। और आप ये देखिए यहाँ ये अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये ईरान है सारा, ये ईरान है जो जाहिर नहीं हो रहा, ये ईरान है। इस यहां से लेके यहां तक जो ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर है उसको कहते हैं ड्यूरेन लाइन। ड्यूरेन लाइन जो है बनाई थी मोर्टिमर ड्यूरेन ने 12 नवंबर 1893 को। ये 2252 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो आप जरी ये टुकड़ी देख रहे हैं ये वाली, इसको वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ये ऊपर सेंट्रल एशिया है, ताजिकिस्तान है, ये वाखान कॉरिडोर, पहले ये रशिया होता था, USSR होता था, वो गर्म पानियों में आना चाहता, जैसे आजकल चाइना CPEC के गवादर आ रहा है, तो उस वक्त USSR कहता था कि मुझे इस यहाँ गर्म पानी इंडियन ओशियन में एक पोर्ट दे दो कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ। आजकल हम रशिया से खुद कर रहे हैं, मगर उस वक्त नहीं हो रहे थे। तो ये वाखान कॉरिडोर है जो 15 किलोमीटर लंबी है, ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, मगर है कहाँ पे, अफगानिस्तान। यहाँ पे आ जाए ये नेपाल है,
नेपाल का जो है इसकी कैपिटल जो है काठमांडू है, इसकी करेंसी रुपया है, ठीक है। उसके बाद ये आता है हरा वाला, ये भूटान है, देखिए ये सारा चाइना है, ये चलता गया, नेपाल आ गया, फिर ये भूटान आ गया, भूटान ये इंडिया है, इसको चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक, ये थोड़ा सा टुकड़ा है जो नेपाल और भूटान के बीच, ये इंडिया का, और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो है कैपिटल ढाका है, इसकी करेंसी टका है। और इसकी मैं एक खास बात आपको बता दूं कि इसकी पार्लियामेंट का नाम आता है, इंडिया के भी आते हैं, उसमें मेरा लेक्चर है वो आप सुन सकते हैं, यहाँ बड़ा हो जाएगा। ये बांग्लादेश में इसको कहते हैं जतिया संसद, इसके नाम जो है ना टिपिकल है, और ये यूनिकैमरल है, ठीक। और यहाँ ये बांग्लादेश हो गया, उसके बाद ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका का कैपिटल जो है कोलंबो है, इसकी करेंसी भी रुपी है। और इसकी मेन बात जो है ये समंदर है, इसको इसमें ये पार्क स्ट्रेट है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में। अब आप यहाँ आ जाएं ईरान का जो है वो तेहरान है, और उसका करेंसी रियाल। अब ये आठों मुल्क मिलके ये मालदीव का जो उसका कैपिटल है, ये माले है, और उसकी करेंसी रुपया है, और ये तकरीबन 1192 आइसलैंड पर मुश्तमिल है, ये सारा आइसलैंड है, ये मतलब छोटे छोटे आइसलैंड हैं इसके, ठीक। अब ये सारे आठों मुल्क, ये सारे मुल्क जो हैं मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सार, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसे कहते हैं सार। और ये 7 दिसंबर 1985 को बनी थी, कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में। मगर अब इसका जो केपी हेडक्वार्टर है वो नेपाल में है इसका, और इसका 8 दिसंबर जो है वो सात चार्टर डे मनाया जाता है। तो ये आज हमने आपको कैपिटल करेंसीज और लोकेशंस बता दी, और एक दूसरी बात बता, ये यहाँ पे जो है ये इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अंडमान आइसलैंड होती हैं, ये पर्शियन गोल्फ है, ये ओसारी, ये अरेबियन सी है जो इंडिया को और पाकिस्तान को लगता है और ऐसे चला जाता है, ये अरेबियन सी है, ये दोनों, ये सारा जो समंदर है ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सारा नीचे सारा इंडियन ओशियन। तो उम्मीद है कि आपको छोटी रहनुमाई, अगर डिटेल में आप जाएं तो मेरी साथ पर एक पूरा लेक्चर बना हुआ है। ओके, विश यू गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।